हार पर क्वेश्चन मार्क उठा है, आप कुछ बता देंगे हार कैसा है क्या है कुछ? जैसे देखिए हार है जो इसमें से दो को गायब हुआ था, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, मेरा कहना है कि कहीं भी इस तरह की घटना नहीं घटित होना चाहिए और इस पर किसी को चुटकी नहीं लेना चाहिए। आज ये कोई भी इस तरह का सवाल उठाते हैं तो उनको अपना सोचना है कि हमने इसमें क्या मदद किया, हमने जाके फुटेज देखा, हमने कुछ लोगों का ड्यूटी हो गई है कि कुछ अच्छा नहीं करना है, आलोचना कर देना है। अब हम ही लड़े चुनाव, हम 14 वोट से हार गए, लेकिन हम कहाँ अध्यक्ष को गाली देते हैं, जनता ने उनको जनमत दिया है, वो 5 साल काम करके दिखा दे, अच्छा कर देंगे तो फिर जनता उनको समय दे देगा। हाँ, एक पंचायत जगन्नाथ वसंत के लोगों ने कहा है और हम जगन्नाथ वसंत के लोग को, जो लोग इसमें पंचायत करके देर रात्रि तक मेहनत किए, उन लोगों को माता रानी के समक्ष बुला के, आप लोग को बुला के सम्मानित भी करें। अगली बार है जो CCTV में कैद हो गया था, वारदात है जो 12 तारीख को 1:24 रात का था, तो जो टपा आगे से गेट से, एक लड़का टपा था और एक बाहर में था, तो बाहर में भी कैमरा लगा हुआ है, अंदर सब कैमरा था, उसी CCTV के कैमरे के आधार पर हम लोग बहुत साथियों ने प्रयास किया, बहुत मेहनत हुआ उस पर, 2-3 दिन से लगा हुआ लड़का चिन्हित हुआ कि फलाना है। इसमें तो थाना अध्यक्ष जी का भी सहयोग है, उन्होंने भी कल रेड करवाया था उस गांव में, जगन्नाथ वसंत गांव से वो लड़का था और दो लड़का था, एक तो नाबालिग है, एक बालिक है, नाबालिग को अंदर पर प्रवेश करा दिया था, बालिक नीचे घूम रहा था, तो जो तो अंदर आया था वो यहाँ का नहीं है रहने वाला, वो नानी घर में रहता, तो उसको पहचान हो गई, यहाँ लड़का लोग पहचान कर लिया, तो हम लोग ने बड़ी आभारी है जगन्नाथ वसंत गांव के लोगों का, दोनों लड़का वही के हैं। हाँ, तो हम जगन्नाथ वसंत गांव के लोग ने बड़ी उदारता दिखाई और बड़ी इसको मैंने मेहनत किए और 2-3 दिन में वहां पर लगातार बैठक करके और उन लोगों ने इस पर सफलता हासिल की। नाम डिस्क्लोज करना चाहिएगा जी, बालिक जो है नाम डिस्क्लोज करना चाहिएगा, नाम जैसे देखिए अभी नाम हमें नहीं है कि किसी को हम लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सामान अभी जो बरामद हुआ है कुछ टुकड़ी है, फिर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किसके यहाँ गया था इसको तरसने के लिए, उसको भी हो तो उसकी माँ लोग, अभी हमारे पास एक वीडियो है, तो आप कहेंगे कि आप अकेले लेके कैसे चले आए, तो एक वीडियो हम आपको अभी दे रहे हैं जो वहाँ जगन्नाथ वसंत के गाँव के लोग उसमें उपस्थित है और उन लोगों के सामने जो अभियुक्त है इस घटना का, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, महिला सब रो रही है, कलप रही है और वो लोग दिया, तो हम ये नहीं करते हैं कि हमको माफ़ करना और सजा देना मेरा अधिकार है, लेकिन गांव के लोगों ने खुद जब आगे आ गए हैं 4 कदम आगे और हमसे ज़्यादा सीरियस उधर के लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि 2-4 दिन बाद वो लोग समय दिए हैं कि फिर बैठक करके इसमें आगे और कौन लोग का हाथ है क्या है नहीं सब। इस संबंध में FIR भी की गई थी क्या? नहीं, FIR है जो मैंने हुआ था, बड़ा ने कहे थे कि लिख के एक दे दीजिए, कल हम चाहते थे कि थोड़ा नाम क्लियर हो जाए तो देने में ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे अज्ञात आप करेंगे। हम लोग है जो जगन्नाथ वसंत के गांव के लोगों का भी इसमें सहयोग हुआ है, इसलिए उनको इग्नोर करके कोई काम करना नहीं चाहते हैं। मंदिर सवाल अच्छा को लेकर क्या कही है, गार्ड की व्यवस्था की गई है? देखिए 12 तारीख के दिन है जो हम 3 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के मोबाइल पर हम कॉल किए थे, सर को प्रणाम करते हुए हमने अनुरोध किया और बताया घटना के बारे में, तो सर ने बोले कि थाना अध्यक्ष जी को हम बोल देते हैं और बोले कि जरूर हम वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा आभारी है हम पुलिस अधीक्षक महोदय का कि 11 बजे से सुबह 4 बजे तक मंदिर के जस्ट बाहर में जो फूल का है जो शॉप है उसी पर है जो 3 कुर्सी लगा दिया जाता है और राइफलधारी 3 वो रहते हैं, 3 गार्ड। हाँ, 3 गार्ड दे दिए और थाना अध्यक्ष जी इसके आकर सूचना हम लोग को दिए और ये गार्ड 3 वो रहते हैं, यहाँ से बगल अगल का भी निगरानी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठा, एक चर्चा बना जब चोरी हुआ, उसके बाद लोगों में एक भ्रम फैलाया, वाह कह लीजिए, हार पर क्वेश्चन मार्क उठा है, आप कुछ बता देंगे हार कैसा है क्या है कुछ? जैसे देखिए हार है जो इसमें से 2 को गायब हुआ था, एक हार था आर्टिफिशियल, एक हार था छोटा जो सदा था, तो सवाल ये नहीं है कि हार मोती था पीतल था, मतलब है कि माता रानी के कान में यदि कुछ उनका कुछों का लटक गया तब माता रानी का और उसको कोई छू दिया तो वो चोरी ही कहलाएगा, उसकी कीमत कितना है उससे नहीं मतलब, तो उन दोनों को बरामदगी के तरफ अंतिम अथी हो गई है
और उसमें हम क्लियर सफलता, कल एक कामयाबी क्या मिली थी कि पुलिस उसका कपड़ा भी बरामद कर लिया था, जो कपड़ा में वो दिखे थे वो कपड़ा भी है जो बरामद हो गई थी, पीला कपड़ा था। और आप लोग को हम आगे दो चार दिन में फुटेज भी दे देंगे, सब उसको आप देख लेंगे। ठीक है, आगे कुछ जो अफवाहें जो बात फैल रही है, चाहे फेसबुक पर जो भी वीडियो फैले हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिएगा? हम उनको कहेंगे कि देखिए भाई, ये हमारा व्यक्तिगत धरोहर नहीं है, ये आपका भी है। लालगंज के सभी समुदाय, सभी जाति वर्ग का ही मैया का स्थान है। हम लोग के यहाँ कोई भी भेदभाव जातीय भी नहीं है, इसलिए ये सम्मान है। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, मेरा कहना है कि कहीं भी इस तरह की घटना नहीं घटित होना चाहिए और इस पर किसी को चुटकी नहीं लेना चाहिए। आज यहाँ हुआ है तो कल किसी मस्जिद में भी हो सकता है, कल मस्जिद में होगा तो किसी मंदिर में भी हो। और कोई भी व्यक्ति मजाक उड़ाए कि मंदिर में, तो मंदिर हमारा पिताजी का नहीं है, हम लोग ने लग के बना दिया है। सहयोग जिनसे सके, जिनसे मेरी तालमेल थी, जिनके यहाँ मैं जा सकता था, जाके मांग के बना दिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा है ये मंदिर, सारा जग जवार का है, लालगंज बाजार का नहीं है, गांव देहात 20 किलोमीटर के एरिया का है। इसलिए कोई भी इस तरह का सवाल उठाते हैं तो उनको अपना सोचना है कि हमने इसमें क्या मदद किया, हमने जाके फुटेज देखा, हमने कहीं जोर लगाया, हमने तलाशने का प्रयास किया। देखिए कुछ लोगों का ड्यूटी हो गई है कि कुछ अच्छा नहीं करना है, आलोचना कर देना है। हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करते, उन भाई से भी मेरा हाथ जोड़ के मिलती है कि देखिए भाई, ये बड़ी दुर्गा स्थान सब लोग की धरोहर है और इस पर आलोचना करने उचित नहीं है। आलोचना राजनीति में हो, राजनीति में हार जीत हो, अब हम ही लड़े चुनाव, हम 14 वोट से हार गए, लेकिन हम कहाँ अध्यक्ष को गाली देते हैं, जनता ने उनको जनमत दिया है, वो 5 साल काम करके दिखा दें, अच्छा कर देंगे तो फिर जनता उनको समय दे देगा, फिर हम यदि हम अच्छा रहेंगे तो हमको देगा, फिर कोई और बेटा तो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। लेकिन आलोचना नहीं होना चाहिए, हर किसी को लग के लालगंज का विकास करना चाहिए। अभी इस मुद्दे पर आगे और भी कोई पंचायती होना बाकी है? हाँ, एक पंचायत जगन्नाथ वसंत के लोगों ने कहा है और हम जगन्नाथ वसंत के लोग को, जो लोग इसमें पंचायत करके देर रात्रि तक मेहनत की है, उन लोगों को माता रानी के समक्ष बुला के, आप लोग को बुला के सम्मानित भी करें। अगली बार तारीख पंचायती कब है? ये है जो 1-2 दिन में आपको बता देंगे।